दोस्तों लद्दाख के लोग सोनम वांगचुक के साथ -14 डिग्री के टेम्परेचर में प्रोटेस्ट करते हुए अपने लिए 6th शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं। तो आखिर ये 6th शेड्यूल है क्या और गवर्नमेंट इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है? तो देखिए, लद्दाख के 6th शेड्यूल की डिमांड के पीछे कुछ रीजंस हैं। 2019 जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन से पहले राज्य के विधानमंडल में लद्दाख से टोटल 6 रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे। साथ ही लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल नाम की इलेक्टेड बॉडी से लद्दाख ऑटोनोमी भी एंजॉय करता था, लेकिन फिर लद्दाख को बिना लेजिस्लेटिव असेंबली वाली यूनियन टेरिटरी दिया गया, जिससे रिप्रेजेंटेशन का प्रोविजन खत्म हो गया और LHDC की पावर्स भी रिड्यूस हो गई। धारा 370 और 35(1) खत्म होने के बाद लद्दाख का स्पेशल स्टेटस भी खत्म हो गया, जिससे पूरे इंडिया के लोग सर्टेन रिक्वायरमेंट फुलफिल होने पर लद्दाख में लैंड्स और जॉब ले सकते हैं। इससे यहां का इकोसिस्टम और कल्चरल आइडेंटिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। इतने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट होने के बाद भी सरकार इन डिमांड्स को न मानने के पीछे कुछ रीजंस देती है। पहला, सरकार का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए है, जबकि कंट्री के दूसरे ट्राइबल एरियाज को कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल में कवर किया जाता है और इसे 6th शेड्यूल में डालने के लिए संवैधानिक संशोधन करने पड़ेंगे, जो एक टफ प्रोसेस है। तो दोस्तों, ये था एक ओवरव्यू लद्दाख प्रॉब्लम को लेकर। इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान सोनम वांगचुक सर की हेल्थ में काफी गिरावट आई है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन डिमांड्स का संज्ञान ले ताकि जल्द से जल्द इस इशू को रिजोल्व किया जा सके। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए एक्शन सेज।